अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन सेहत में होंगे, अल्लाह पाक के फजल व करम से ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इनमें हमने डिस्कस करना है सेलुलर कम्युनिकेशंस को, सेटेलाइट कम्युनिकेशंस को, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज मेंट बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं क्या? ऐसी डिवाइसेस जिनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, उन्हें हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कहते हैं। हम वन बाय वन देखते भी जाते हैं कैसे हैं। द डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स दैट इम्प्लॉय द मोस्ट रिसेंट and high-level technology developments to provide high-speed communication and data transmission. वो devices, techniques या achievements जो कि जदीद तरीन और बहुत आला दर्जे की technology को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? For providing high-speed communication, तेज रफ्तार communication और data transmission के लिए। पहली जो हमने डिस्कस करनी है टेक्निक, वो है सेलुलर कम्युनिकेशन। दूसरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। लेट्स सी व्हाट ऑल दीज आर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन मोबाइल्स और सेल फोन्स। सेलुलर कम्युनिकेशन जो है मोबाइल फोन्स या सेल फोन्स पे बेस करती है एज सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस। जैसे आपने पहले नेटवर्क्स में पढ़ा है कि किसी भी नेटवर्क में एक सेंडिंग डिवाइस होती है, ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिशन मीडिया होता है, फिर रिसीविंग डिवाइस होती है। तो सेंडिंग डिवाइस जो होती है वो मैसेज सेंड करती है। तो सेंडिंग डिवाइस भी सेल फोन होते हैं या मोबाइल फोन होते हैं, और रिसीविंग डिवाइसेस जो है वो भी सेल फोन या मोबाइल फोन्स होते हैं। दिस डिवाइस कैन बी इन अ बेसिक जियोग्राफिक सर्विस एरिया, एक बुनियादी छोटा सा जियोग्राफिक एरिया जो होता है उसमें ये हो सकती है, विच इज़ क्रिएटेड बाय नेटवर्क ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमीटर्स, रेडियो टावर्स। इसमें रेडियो टावर्स का एक नेटवर्क है एक खास जियोग्राफिकल एरिया को जो कवर करता है, उसमें जितने सेलर फोन हैं उन सबको वह हैंडल कर रहा होता है। सेलर कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस अ लार्ज नंबर ऑफ लो पावर वायरलेस ट्रांसमीटर्स टू क्रिएट सेल्स। ये यूज क्या कर रहा है? लो पावर लार्ज नंबर ऑफ वायरलेस ट्रांसमीटर्स। वायरलेस का मतलब ये है कि यहाँ मीडिया जो यूज हो रहा है वो ना ही तो केबल है, ना ही फाइबर ऑप्टिक्स है, ना ही ट्विस्टेड पेयर केबल है, बल्कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। यानी यहाँ तार की जरूरत नहीं है, थ्रू एरियल रूट जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है। और वो ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है उसे हम सेल कह देते हैं। इस ये सेल्स बन जाएंगे एज मोबाइल यूजर्स ट्रैवल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे होते हैं। जब आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो क्या होता है, जो कन्वर्सेशन होती है आपके सेल फोन की, वो जब एक सेल से निकले तो दूसरे सेल में गए तो उस सेल को हैंड ओवर हो जाती है, और इतनी जल्दी स्विच ओवर होता है कि इवन आपको पता भी नहीं चलता कि हम स्विच ओवर हुए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इस तरह रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सेलुलर नेटवर्क? इन वायरलेस कम्युनिकेशन अ नेटवर्क दैट सर्व्स अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड अ सेल। ये पहली चीज थी कि सेल क्या है। सेल क्या है? स्मॉल एरिया है नेटवर्क सर्विसेज का, उसे हम कह देंगे सेल। व्हेन जॉइंड टुगेदर दी सेल्स प्रोवाइड रेडियो कवरेज ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिक एरिया विच इज कॉल्ड सेलर नेटवर्क। जाहिर सी बात है डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक सेलर नेटवर्क बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे
लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो ज्वाइंट टुगेदर होते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर होता है, सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर होता है, एक बिल्डिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह सेल जो है वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। अब डिफरेंट सेल्स जो मिलते हैं उसका मिलना ऐसे ही है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क मिल रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मिलेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क या वैन बन जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ सेल्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो अब बहुत ज़्यादा वसी एरिया को कवरेज दे रहे होते हैं जिसे हम सेलर नेटवर्क कह देते हैं। अब इनके देखते हैं की फीचर्स क्या हैं सेलर नेटवर्क्स के। इंक्रीज कैपेसिटी देन अ सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर। एक सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर से ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरी क्या है, लेस पावर कंजम्पशन, बहुत थोड़ी पावर इस्तेमाल करते हैं। किधर, क्लाइंट सेल साइड पे आपके सेल फोन पे बहुत थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लार्ज कवरेज एरिया, बहुत वसी एरिया कवर हो रहा होता है, जैसे आपका पूरा पाकिस्तान है तो पूरे पाकिस्तान में कवरेज दे रहे होते हैं आपके सेलर जो हैं सर्विसेज, जैसे मोबलिंक है, योफोन है या दूसरे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कवर किया होता है, जबकि एक सिंगल ट्रांसमीटर ऐसा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट आपको पता ही है ज़मीन के गिर्द जो हैं ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैन मेड हैं। दे आर सेंट टू द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एंड अदर पर्पसेस, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जाहिर सी बात है ये मस्नूई सैटेलाइट है। वैसे तो आपको पता है कि कुदरती सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं वो तो नेचुरल हैं, और जो मैन मेड हैं, मैन सेंट हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्टेशन इन स्पेस फॉर पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन्हें स्पेस में यानी खिला में स्टेशन किया हुआ होता है और पर्पस जो है बेसिक इनका वो है ही टेलीकम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन है यानी दूर दराज से बैठ के कम्युनिकेशन करना। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसीव्स रेडियो सिग्नल्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये रेडियो सिग्नल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम वन बेस स्टेशन। एक बेस स्टेशन से, बेस स्टेशन ज़मीन पर है, उससे सैटेलाइट जो है वो रिसीव भी करते हैं, फिर आफ्टर देन उन्हें सेंड भी कर देते हैं एंड ट्रांसमिट टू द डेस्टिनेशन बेस स्टेशन। जहां उससे सेंड करना होता है वहां सेंड करते हैं बेस स्टेशन को रिसीव करने के बाद। अब ये हज़ारों मील दूर होते हैं एक दूसरे से, और अगरचे इस तरह फासला ज़रूर बढ़ता है लेकिन दरमियान में हर्डल्स नहीं आती, इसलिए कम्युनिकेशन जो है इजीली टेक प्लेस करती है। दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशंस। कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है और उसकी जो बात हो रही होती है, फ़र्ज कर लें अमेरिका है, कनाडा है, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारी ज़मीनी वेज हैं कम्युनिकेशन के वो यूज़ नहीं होते, बल्कि सैटेलाइट से रब्ता होता है और सैटेलाइट तक मैसेज यहाँ से सेंड होता है और दूसरी तरफ कनाडा या अमेरिका में रिसीव हो रहा होता है, और उधर से सेंड होता है तो इधर वापस रिसीव हो रहा होता है। इन्हें यूज़ किया जा सकता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए एंड इंटरनेट एक्सेस इन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स। वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारा डेटा हमें चाहिए होता है, और वो डेटा जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए ही सेंड किया जाता है। इसके अलावा टेलीविजन ट्रांसमिशन, आपने देखा होगा बाज़ोकात टीवी पे ये होता है कि बैठा एक स्टूडियो में बैठा बंदा जो है
वो दूर दराज मुल्क में बैठे किसी दूसरे बंदे से ऑनलाइन होके सामने दोनों स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, उनसे बातें हो रही होती हैं। ये सिर्फ सेटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ही मुमकिन है। रेडियो कम्युनिकेशंस रेडियो वेव के जरिए होती है, और ये वेव्स जो इस्तेमाल हो रही हैं इसमें ये भी रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। इंटरनेट एक्सेस भी इसके जरिए प्रोवाइड की जाती है एक मुख्तलिफ वाइड रेंज एरियाज तक। इसके अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी इसी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यू कैन सी फर्दर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है क्या? द ग्लोबल पोजिशन सिस्टम इज अ सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसके जरिए खोज लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज किस जगह पे मौजूद है, और ये कंसिस्ट करता है 24 सेटेलाइट्स पे। देयर बेस स्टेशंस एंड जीपीएस रिसीवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके जीपीएस और बेस स्टेशन जो है पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं। जीपीएस इज अ सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस जो है सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। अ जीपीएस सेटेलाइट मूव्स ट्वाइस अ डे अराउंड द अर्थ। जीपीएस सिस्टम जो है दिन में दो दफा जमीन के गिर्द पूरा मूव करता है। जीपीएस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग पाथ्स। इट हेल्प्स द पायलट्स इन नेविगेशन टू मॉनिटर देयर पाथ्स। जो पायलट्स हैं जहाज में वो भी अपना रास्ता जीपीएस सिस्टम के जरिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जीपीएस वर्क्स इन एनी वेदर कंडीशन। कोई भी मौसमी सूरत हाल हो उसमें जीपीएस वर्क कर रहा होता है। एनी वेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी 24 आवर्स अ डे हर वक्त। जीपीएस सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ वेरी स्पेसिफिक ऑर्बिट। इनके ऑर्बिट मखसूस होते हैं, उसमें मूव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स टू अर्थ। जीपीएस रिसीवर्स टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द यूजर्स लोकेशन। जीपीएस रिसीवर्स जो होते हैं वो इन इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं यूजर की लोकेशन के, यूजर इस वक्त कहाँ मौजूद है। नेक्स्ट थिंग और लास्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमारी है ब्लूटूथ। दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट ईच अदर विद इन अ शॉर्ट रेंज। एक थोड़ी रेंज में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है और कम्युनिकेशन की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ क्या करती है? क्रिएट्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। ब्लूटूथ का जो छोटा सा नेटवर्क बनता है उसे पैन कहते हैं। दैट इज इट इज स्मॉलर देन लैन। बिल्डिंग से भी छोटा, यानी एक ही कमरे के अंदर दो डिवाइसेस जो आपस में करीब करीब पड़ी हैं उनके दरमियान, या मोर देन टू डिवाइसेस जब एक नेटवर्क कायम होता है तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यानी एक नई काइंड जो है नेटवर्क की जो आपने नहीं पड़ी वो है पैन। दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ब्लूटूथ। सेल फोन्स फॉर एग्जाम्पल कैन बी पेयर्ड विद हेडसेट्स यूजिंग ब्लूटूथ। आपने ब्लूटूथ हैंड फ्रीज देखी हैं। ब्लूटूथ हैंड फ्रीज के जरिए जो है सेलफोन को यूज किया जा सकता है बगैर वायर के यूज किए हुए। ये हैंड फ्री आपको नजर आ रही है, इट इज ब्लूटूथ हैंड फ्री, यानी अब केबल की ज़रूरत नहीं है, सीधी ये कान में लगेगी, मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर होगी तो इसे नेटवर्क छोटा यानी पैन बन सकता है। इसके अलावा दो मोबाइल्स को भी आपने पेयर करके देखा होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए पेयरिंग ज़रूरी होती है। पेयरिंग के बगैर जो है नेटवर्क कायम नहीं होता, मतलब जब पेयर हो जाते हैं तो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका होता है बिटवीन टू डिवाइसेस। दे कैन रिसीव एंड सेंड डेटा फ्रॉम ईच अदर। In addition to being attached with phones, short range Bluetooth technology is also workable with personal computers, laptops, printers, digital cameras, telephones and video game consoles. तो personal computer के साथ भी हम अपना हेडफोन जो है ब्लूटूथ के जरिए अटैच कर सकते हैं, लैपटॉप्स के साथ भी, प्रिंटर्स को भी कंप्यूटर के साथ वाया ब्लूटूथ जो है वो पेयर कर सकते हैं, डिजिटल कैमरास को भी, टेलीफोन्स को भी, इसके साथ साथ वीडियो गेम्स कंसोल्स को भी। उम्मीद है ये लेसन आपको
अच्छा लगा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेसन जो है वो भी आपको आसानी से मिल सके। इसके साथ आपका चैप्टर चूंकि कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड, प्रिपेयर फॉर इट। अल्लाह हाफिज़।